दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज जो जो हम टिप्स शेयर करने वाले हैं वो द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर बुक का है, जिसमें कि इसमें एक टिप्स जो है कि बहुत ही जो है कि बुक में दिया हुआ है, अगले 7 दिन तक शिकायत नहीं करना है, और जो है कि सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी। देखिए ओसीडी में हम लोग के साथ जो है कि क्या होता है, हम अपना कुछ बताते हैं कि दिमाग में कब क्या थॉट आ जाता था कोई पता नहीं चलता था, लेकिन जो हम लोग ब्लेमिंग करते हैं दूसरे पे, या जो है कि भगवान के ऊपर ब्लेमिंग करते हैं कि भगवान के वजह से जो हमारे साथ बुरा हो गया, या कोई दोस्त आया वो कुछ बोला तो हमारे दिमाग में जो है कुछ ठाउट बुरा आने लगा, या कोई कुछ सिचुएशन देखे 12 पे गए तो वहां पर हाथ धोने में कुछ बुरा आ गया, मतलब ब्लेमिंग करते हैं। मतलब क्या चीज, अपने छोड़ करके, सिर्फ अपना छोड़ करके दूसरे पे ब्लेमिंग करते हैं, या तो भगवान पे, या जो है कि कुर्सी पे, या जो है कि जहां पर आपको दिक्कत होता है वहां पर लोगों को ब्लेमिंग करते हैं कि उसके वजह से हो रहा है। ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या ठाउर चल रहा है, कि अपने ऊपर पे ब्लेमिंग नहीं लेते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये जो है कि सीक्रेट ऑफ मिलेनियर का जो बुक से जो ये ठाउर मिला तो हमें भी बहुत अच्छा लगा ये ठाउर, कि ब्लेमिंग जो करते हैं, शिकायत करते हैं दूसरे चीज पे, अगर उसको अपने ऊपर फॉलो कर ले तो हो सकता है कि 7 दिन के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाएगा। देखिए ये तो एक बीमारी के कारण से जो है कि निगेटिव थॉट आते रहती है दिमाग में, जिसके कारण से कि जो है कि हम लोग परेशान होते हैं, चिंता में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको ले लेते हैं फ्यूचर से रियलिस्टिक डर को ले लेते हैं। इस जो थॉट आ रहा होता है, थॉट से डर रहे होते हैं, जिसके कारण से हम लोग ब्लेमिंग कर रहे हैं कि ये पानी पीने जा रहे हैं कहाँ, ये सब जो है कि थॉट आ जाता है, हाथ धोने जा रहे हैं, ताला चेक इन कर रहे हैं, ये हमको क्यों थॉट आ रहा है, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, ये सब थॉट आता है ना दिमाग में, ब्लेमिंग कर देते हैं दूसरे के ऊपर, और जो है कि हम लोग बचते रहते हैं, और जो है कि बाद में धीरे धीरे परेशानी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हम लोग अकेला फील करने लगते हैं और घर में जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे चिंता परेशानी होने लगता है। ऐसा हम भी, मेरे साथ भी होता था। लेकिन इस कल जो हम बुक में, कल जो है बुक का ये थॉट है, तो आप देखिए अब इसमें करना क्या है, अगले 7 दिन तक जो है ना शिकायत नहीं करना है, मतलब कि कोई भी थॉट आ जाएगा, कोई भी डर आ जाएगा, तो 7 दिन करके देखिए, सिर्फ एक ही बात बोलना है कि ये मेरा थॉट नहीं है, वो सीधी का थॉट है। कोई भी थॉट आ जाए तो इसको बोलना है कि ये मेरा थॉट नहीं, वो सीधी, क्योंकि ये ओसीडी बीमारी है, माइंड के अंदर सेरोटोनिन केमिकल के कम होने के कारण से जो है कि ये बीमारी होता है, इसके कारण से कि बोलना ये मेरा थॉट नहीं, ये हमारे बीमारी का थॉट है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, आप डरने कम लगेंगे। ये क्या होगा कि सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि दिमाग में भी, मतलब शिकायत तो करना ही नहीं है, मतलब शिकायत की जगह पर डाल देना कि ये ओसीडी का थॉट है, और जो है कि सिर्फ मुंह से नहीं दिमाग में बोलना है कि ये थॉट जो आ रहा है ये हमारे ओसीडी का थॉट है। तो आप देखेंगे कि अपने आप को 7 दिन के अंदर देखेंगे रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। देखिए हमने तो ये तो बुक में बाद में हम पढ़े, लेकिन हम बहुत पहले से ही जो है कि ये कर रहे थे, कोई भी थॉट नेगेटिव थॉट आता था जो कि जो लगता था कि ये सच में नहीं होने वाला है लेकिन हमको डरा रहा है, तो हम ओसीडी करते थे। लेकिन हम इस बुक में देखे कि 7 दिन के लिए दिया हुआ है, कोई जो है रिसर्च पर्सन है जो बुक लिखे हैं वो तो जो है कि कहीं ना कहीं उनका हमसे तो बहुत ज्यादा विजनरी मैन होंगे, वो तो वो लिखे हुए, तो इस पे अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 7 दिन के अंदर, आप जो वीडियो देखेंगे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि 7 दिन में आपको क्या रियलाइज हुआ। सिर्फ ओसीडी चलना चाहिए कि ये मेरा था, उन्हें ब्लेमिंग करना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जाने अनजाने में हमारे माइंड के अंदर जो है कि वो फिट हो गया है, जाने अनजाने वो हमारा हैबिट का पार्ट हो गया है ब्लेमिंग करने का, शिकायत करने का। लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर जो अपने ऊपर लेंगे कि नहीं ये हमारे हैबिट के कारण से हो गया है, हमारे जो है कि ओसीडी जो है कि माइंड के अंदर केमिकल इंबैलेंस के कारण से हो गया, तो जब तक उसको ओसीडी 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 अगर जो बोलते रहेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे ये चीज आपका हैबिट जो है कि जो जिससे डर रहे थे थॉट से, जो कि रियल थॉट नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका जो है कि जो डरने का था, चिंता रहने का, वो सब बीमारी जो है कि आपका दूर होने लगेगा। और तो सीबीटी थेरेपी है ही जो कि बहुत कारगर थेरेपी है, लेकिन आप ये 7 दिन तक ये टिप्स अप्लाई करके देखिए, देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है कि अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें जो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।